Okay, so this is your February March 2024, 3-1. Okay, we will directly go to. Okay, so initially, what you have to do is open the image, this PNG, right? So here we go. I'll just extract this file. Let me extract it somewhere else, probably. Let me extract it. Desktop, web two. Desktop, web two. Right. And here we go. We can now directly extract this. So this is the file. These are the files that we have. Okay. Let me just view them this way. So these are the files we have. Okay. One is a video file and this file. Fine. Okay, reflect flip the image horizontally so that the balloon is on the left side. Save it as March. So it's a very basic task. You can do it in any particular software. So yeah, aapki image jo hai view. कौन सी इमेज थी, सॉरी, इमेज पीएनजी. सो दिस इज योर फाइल. सो आई कैन ओपन दिस अप इन विच सॉफ्टवेयर. आई कैन इवन ओपन इन इन पेंट. ओके वन सेकेंड, ये अभी तक एक्सट्रैक्ट. सॉरी बेटा, देखो अब फोटोशॉप मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो प्रेफरेबली लेट्स नॉट यूज फोटोशॉप इन दिस. ओके ऑल्दो फोटोशॉप, हाँ सही कह रहे, बहुत आसान है, जिसको आता है. आप उसमें भी कर सकते हो. वेल नो वन विल से कि जी मुझे पेंट नहीं आता. यू कैन डू इट इन पेंट. वी हैव टू फ्लिप इट, व्हाट वी हैव टू फ्लिप इट हॉरिजॉन्टल, यस और नो. एंड वी जस्ट हैव टू डू इज वी हैव टू सेव इट एज द फाइल इन योर मार्च फोल्डर. ओके एंड सेव इट विद विच नेम. ओपन द फाइल प्लेट, सेव इन योर दिस नेम इज एज बेलून. सो हियर वी गो, कॉपी एंड जस्ट कम टू पेंट एंड फाइल सेव एज एंड सेव इट एज बेलून. नहीं, उसको फ्लिप किया ना जी. ठीक हो गया नाउ जी. बेटा बोलो. मैं करने लगा हूं. किसके बर्थ हाइट? डोंट वरी, वो आपको ज्यादा फोटोशॉप वाला पॉइंट नहीं दूंगा इस दफा. We'll do it afterwards in IIS. ठीक है, so let's just stick to this. जो करा रहा हूँ उस पे स्टिक करो. ओके फाइन, मैंने कर दिया. सो नाउ लेट्स डू दिस. सो वी हैव टू क्रिएट इज द फॉलोइंग फाइल इन HTML, यस और नो, प्लीज कंसंट्रेट वेल. ओके सो द फॉलोइंग फाइल दैट विल क्रिएट इन HTML विल हैव हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स? टू कॉलम्स, फोर रोज. बिल्कुल सही. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कम हियर, फाइल, आई विल क्रिएट न्यू, आई विल क्रिएट HTML, यस और नो. Why am I creating HTML? Because I need to add the content in HTML. Yes or no? Why do I create a CSS file? Because exactly, define style. Very well done. इसको मैं सेव एज करूंगा इन द सेम फोल्डर वेयर माई फोल्डर इज. सो ऑलवेज गो बैक, कॉपी द फोल्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एट टाइम्स वट यू डू इज यू आर सेविंग यू फाइल्स इन सम अदर फोल्डर एंड यू वर्किंग समवेयर एल्स. इससे काफी मसला आ सकता है. सो दिस हैज टू बी सेव्ड एज abs.htm. यस और नो? जो भी था, व्हाटएवर, फाइन, गॉट इट. HTML सेम थिंग, से फर्क नहीं पड़ता. ओके सो आई विल मेक हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स. मैं पाई चार्ट को बंद करूं. ओके सो व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू डू इज इंसर्ट, वी विल इंसर्ट टेबल एंड हाउ मेनी रोज, 4 बाय 4 बाय 2, यस और नो? ओके नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपका इनिशियल टेबल बनाना ही आएगा. तो इसको सुन लो गौर से. ओके इट्स नॉट टफ एट ऑल. सो डन विद दिस. ऑब्वियसली व्हाट आई नीड टू डू इज यू कैन सी योर हियर इज आई नीड टू मर्ज दिस, यस और नो? सो आई विल सेलेक्ट दिस, आई विल गो टू माय प्रॉपर्टीज. यू सी द प्रॉपर्टीज ओवर हियर, डू यू सी दिस? यस. वो इसलिए नहीं हो रहा था, आप हो गए लाइव में. जब आप लाइव में होते हो तो सिलेक्ट नहीं होता. आपने हमेशा होने किधर, आपने यू विल नॉट कम टू द लाइव, दैट्स इट.
always in the design, yes or no? So now it will work, okay? So like this, and here you go. Done. Please concentrate. But just suno. Phir masla aayega baad mein. Theek hai? Okay, done with this. Okay, now listen to this carefully. We have done this. I've done with both sections. Maine pehle kiya hua hai. Aapko aata hai. We have to define the width and the height where in the coding. I will not be doing it over here. So I will split so that I have the coding along with me. Hum hamesha yun hi karte hain. Yun karte kyun hai? Kyunki there are no chances of mistake. So this is over here. This is TD. All of you know ke aapka jo Excel banta hai, wo TD kaise banta hai. You have a table tag, then you have a TD tag. So TR is for table row, TD is for data. Yes or no? So if you want to make any changes, if you want to define the width and the height of a cell, it will always be where in the TD tag. Yes or no? So yahan wo kya keh raha hai? Yahan keh raha hai is cell ki jo width hogi wo hogi 30%. So what I'll do is either after putting a space, I will say width, and I will say over here is 30%. Yes or no? This means the width of the cell will be 30%. Let me just keep on doing it. Don't expect for miracle right now. Aapne sare data enter karna hai. Make sure ke aapka data properly entered hua ho. 30% matlab ye hai ki 30% of the window. 100% matlab ki pure 100% of the screen. 30% agla 30% of the screen hai. Agla phir aapka 40% of the screen. Get the point? Theek hai? Okay. So abhi keh raha hai 70% dekha na 30% ye ho gaya 70% ye ho gaya 100% complete ho gaya theek hai is cell ko wo keh raha hai aap isko define karo width is 70% theek ho gaya so gradually slow and steady I'll keep on doing this iski height will be 10% so I'll come here I will define is the height acha ji ji bilkul height 10 ऑटोमेटिकली आपको ले जाता है वो इसलिए मैंने स्प्लिट किया ठीक है 10% फिर मैं आ गया हाइट 15% इधर आया वेयर एम आई इधर ब्लिंक कर रहे हैं इधर आओ डिफाइन करो इसकी हाइट एंड 15% वैसे व्हाट इज सो टफ अबाउट दिस एग्जैक्टली ठीक है ना तुमसे क्या आसान है मुझे समझ नहीं जिनको मुश्किल लग रहा है क्यों लग रहा है बल्कि बेटा क्योंकि ऐसे क्या बेटा आप जब ओपन करोगे आपका ऐसे नहीं आ रहा तो बेटा आप यूं कर लो व्यू मोड आपका इधर सॉरी स्प्लिट आप कर लो वर्टिकल या होगा स्प्लिट हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल आप वर्टिकल स्प्लिट कर लो आप लाइव मोड में तो नहीं हो दोबारा जी बेटा मैं तो अच्छा बेटा मैं बाद में कर दूंगा नहीं होता ठीक है हाइट डी की इसकी 10% कर दी है 15% कर दिया यस और नो एंड वी डोंट हैव टू फाइंड एनीथिंग ओवर हियर सो वी लीव इट लाइक दिस फाइन कैन आई कंटिन्यू कैन एवरीवन सी फ्रॉम द बैक ओके सो व्हाट दे आर सेइंग नाउ इज आई हैव सेट ऑल दिस फाइन ओके द इंपॉर्टेंट थिंग वाज द टेबल मस्ट फिट 90% ऑफ द ब्राउजर विंडो वेरी इंपॉर्टेंट आप वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेबल है आपका ये 90% फिट हो तो हमें यह करना पड़ेगा हम ये कहेंगे विड्थ विल बी 90% because ye where am I putting the width 90% in the table tag what is the question saying the table must fit 90% of the browser window yes or no is it not doing so I have defined the table as 90% and I have defined the respective cells as 30 70 jo bhi tha yes or no any problem till now yes or no problem इसका मतलब हाँ या ना ठीक है राइट राइट ओके जी क्वेश्चन जी ये बात सुनो वो अच्छा एग्जैक्टली जी चांस दे दिया वेल डन बिल्कुल बिल्कुल ठीक ओके नहीं चौके चौके देखो हाँ नहीं किसका नहीं रहने दो हाइट रहने देना ठीक है यार नहीं कंप्यूटर को पता ये क्या द फिट मस्ट 90% ऑफ द ब्राउजर विंडो अच्छा मैं बात सुनो होल्ड ऑन इसका जो क्वेश्चन है बात सुनो हैव यू एवर सीन अ वेबसाइट जिसमें यू हैव टू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली एंड गो देयर नो नो यू 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 सीन दैट स्क्रॉल्स डाउन यू ऑल नहीं बेटा वो फिर वो अनप्रोफेशनल वेबसाइट्स ऑलवेज स्क्रॉल डाउन वेबसाइट्स डोंट स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली Get the point. Website should always fit on the screen, but they can scroll down.
इसलिए हम हाइट को 100% नहीं कर रहे, बिकॉज हमें नहीं पता वेबसाइट की हाइट कितनी होगी। मे बी इट विल कीप ऑन स्क्रोलिंग डाउन, बट इट डजेंट कीप ऑन स्क्रोलिंग हॉरिजॉन्टली, यस और नो। तो ऑब्वियसली अगर वो 90% की बात कर रहा है, वो बात कर 90% ऑफ द विड्थ। हाइट कभी करते ही नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो टेक्निकली गलत बात। ठीक है, ओके। सो टिल हियर इज दिस क्लियर, यस और नो गाइस? इज दिस क्लियर फॉर दिस मार्क्स एवरीवन? ओके, नाउ डोंट टेल मी एट द एंड आई वाज ड्रीमिंग अबाउट समथिंग एल्स, डे ड्रीमर। ओके, यस, ओके। पॉइंट नंबर थ्री, सेट द टाइटल ऑफ द पेज एज दिस, सेरेंगेटी बेलून सफारीज। इट्स एन अफ्रीकन वर्ड बाय द वे। ओके, या सो ऑल यू डू इज कंट्रोल वी। ओके, दैट्स द टाइटल, यस और नो? गेट द पॉइंट? ओके, पॉइंट नंबर फोर, ओके, प्लेस इन सेल ए द इमेज बेलून सेव्ड इन स्टेप वन सो दैट इट फिट्स द सेल। ओके, बी में इंसर्ट दिस इमेज, ई में इंसर्ट द वीडियो, एड अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट टेक्स्ट। फाइन, ओके, वेट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस मैन, खत्म कुछ नहीं हुआ। ओके, सो व्हाट वी डू इज, स्टेप वन में वेर इज ए, दिस इज ए, ए में क्या इंसर्ट करना है हमने? बेलून। सो इंसर्ट इमेज, यस और नो? एंड वी वांट इज द बेलून। फाइन, नाउ डू यू सी बेलून इज ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस? नहीं, डबल। अब इधर बेटा वो पता क्या साइज देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स कीप ऑन डूइंग। जी हाँ, लेट मी जस्ट सेव इट। ठीक हो गया? अच्छा, लेट मी मेक श्योर, लेट मी सेव इट एज इन द सेम लोकेशन। ये लोकेशन है ना क्या? कहाँ? वो खैर, वो मेरे फ्लिप, जो भी छोड़ो, फ्लिप की बात कर रहे हो ना, छोड़ो, वो मतलब सेव हो गया हो कहीं और। अच्छा, ये इंसर्ट हो गया, यस और नो? ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? लेट्स कीप ऑन एडिंग। इसके बाद वो कह रहे हैं वी हैव टू एड इज द बी द इमेज बैनर सो दैट इट फिट्स। यस बेटा, इट वाज जस्ट फ्लिप, दैट्स इट। जी, वो फ्लिप मैंने कहीं और सेव कर दी, इट्स फाइन, डजंट मैटर, साइज वही है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, उसने कहा ए में डालनी है ना, वो पता। कैन वी अज्यूम ये वही इमेज है? नो प्रॉब्लम, वो सिर्फ फ्लिप हुई है, साइज वही है, इट्स द सेम इमेज। गेट द पॉइंट? अच्छा, नाउ बी में क्या डालना है हमने? बी, दिस इज बी, व्हाट डू यू वांट इन बी? द बैनर। सो वेयर इज द बैनर? यू कम हियर, सो That's your B, yes or no? So you come into insert, come to image, and you will insert is the banner. Yes or no? आपने banner insert कर दिया, ठीक है? अब here is the important point. आप ये note कर रहे होगे, the images are actually of a too much size, ठीक है ना? तो यहाँ actually they haven't talked about inline style. मैं आगे पढ़ लूँ। Open this CSS, make sure, right? अगर इस केस में जब ऐसा हो, हाउ डू यू फिट द इमेजेस? बेटा इस पॉइंट को गौर से सुन लो। वट आई विल डू इज, आई विल कम हेयर, इज दिस नॉट द इमेज टैग, यस और नो? मैं इसमें यह करूंगा, आई विल चेंज दिस विथ 200%, यस और नो? वेयर एम आई टाइपिंग दिस विथ? जी, 100%। और वट आई विल डू इज, आई विल सिंपली गेट विथ ऑफ द हाइट, गेट रिड ऑफ द हाइट। इससे क्या होगा? ओके, इसी के साथ आई विल डू द सेम थिंग विद दिस। ये जो इमेज है, इसमें मैं लिखूंगा द वेथ इज इक्वल्स टू 100%, एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस, डोंट वरी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस कि मैंने क्यों किया। मैं इधर आया एंड आई गेट दिस एग्जैक्टली राइट। अच्छा, लेट्स, अब हुआ क्या इससे? वंस वी सेट दिस, पहले बात सुनो, इमेजेस के साइजेस वर एक्सट्रॉर्डिनरी लार्ज एंड वी डिड फिट देम इन रिस्पेक्टिव सेल्स। और उसने एग्जामिनर ने कहा है कि इन इमेजेस को आप सेल्स के अंदर डालो, ठीक है, बट इफ यू वांट द इमेजेस टू फिट इन द सेल विद प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो,
What do I mean by a proper aspect ratio? You tell me. Yes. Yes. Maintain. Exactly. Very well done. The original dimension of the image, if we reduce it, the ratio of the width and the height should be maintained, like you said. Get my point? So in order to maintain, hum kya kar rahe hain? Image ke tag mein. Is this not the image tag? Okay, forget about this because somehow I placed the image somewhere else. Okay, what I've done is I removed the width and the height, fine? And I said width 100%, which means that this image should fit 100% of the cell. So automatically, us cell ke andar 100% fit aa jayegi, height ki zarurat nahi hai. So, yaad rakho is baat ko, ke whenever you have to fit a large image in a cell and you want it to fit inside a cell, hum kya karenge? Width 100% kar denge, that's it. Ye point yaad rahega. Bada simple point hai, bhoolna nahi. Is it okay? Ab yahi points hai jo nahi aate students ko exam mein, kehte hain sir bada tough tha. Tough nahi tha. It was total what? Exactly. Yes. Right? Okay. Now, next. So, E. Shh. I don't know I've told you how to insert a video or not, magar aaj dekh lo. But now, good. Okay, well done. Okay, E mein. What is E? Shh. Okay, 3, 2, 1. Listen, listen, listen. E. So, the bottom one, the least bottom one is E, which is this one. Yes or no? So, we have to insert is the video. The video is this file. So simply come into insert. If you keep on going down, you will see this HTML5 video in the insert tab. Yes or no? Click on this. You get this. Yes or no? Now, if you go to the properties, do you see the properties? Click on this video. Do you see over here is the source? Do you see the source? Click on this icon. Click on this icon. Windows. Beta, main pehle properties bata raha hu. And you click on this. Yeah, source. Yes or no? Aur hume kya chahiye? Insert ho gaya. All of you. Can you, all of you, read this question carefully? You get 10 marks there. Acha, controls to mai bhi dal deta hun. What is it saying? Acha. Have we discussed this before? We have. I'm glad. I'm glad. So, can someone explain me wo kya kya raha hai? Very good. If the browser doesn't support. So, ye jo text hai hamara na, we will actually do is, if you come to the coding, you see this coding over here. We will actually place the text over here. Now, how would you remember? Very simple. Aap yaad rakhna ke closing of the video tag se pehle, you will insert this text. What I'll write is, your browser does not support this. Then examiner will give you marks with skill issue. Okay? Yes. So get the point. Dekho, let's see. Okay, fine. Get the point. Acha, controls. Controls ka sun lo. So if you want the controls, you click on this. Do you see the controls over here are auto and you want the loop? Loop karna hai. Auto play ka hai? Theek hai. Ho gaya? Yes or no? Acha, once I do this, you coding mein dekho. Once I do this, kya farak aata hai? Coding mein loop. Loop is equals to loop. Autoplay is equals to autoplay. Yes or no? That's the coding. Yes or no? Theek ho gaya? So, abhi tak, point number 4 tak, how's it going? Any problem? Is it better now? Okay. Theek hai? Add appropriate alternate text to both still images. So, jo bhi still images hai humare paas. Dekho.
एक ही बलून है, तो इस पे आप सिंपल डाल दो ऑल्टरनेट टेक्स्ट बैलून, ठीक हो गया, राइट। और कौन सी इमेज है हमारे पास, ये इसको दे दो बैनर, यस और नो? बेटा प्लीज क्वाइट, आप बाकी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, इन सेल सी एंटर द टेक्स्ट दिस, ओके, एंड योर नेम, सेंट नंबर, और सेल सी कौन सा था हमारा, सेल सी वाज द सेकेंड रो, सो आई विल कम हियर एंड ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज, ओवर हियर आई विल टाइप इज दिस, ओके, एंड लेट्स से आई'ल से इज, लेट्स से फाइन, आई विल सिलेक्ट दिस एंड वी विल डू इज, वी विल मेक दिस एज व्हाट, H2, नो प्रॉब्लम, सो आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल मेक दिस एज, यस और नो? ठीक हो गया, यस। इन मैं इसी बात में डेटाबेस इज इनफैक्ट आप लोगों का ओवरव्यू आता है, मैं बहुत इंटरप्ट, मैंने कहा क्या क्या है, ओके ओके हो गया। प्लेस इन सेल डी द टेक्स्ट दिस, ये जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है बेटा प्लीज, ओके क्या कह रहे थे, ओके, सो आई विल कॉपी दिस एंड ये हमने कहाँ प्लेस करना है, डी, डी कहाँ है, सो ये है ना, अच्छा आई विल प्लेस दिस हियर, ठीक हो गया, एंड क्या करना था इसको, H1, सो वी विल सेलेक्ट दिस एंड वी विल मेक दिस, यस और नो? ठीक हो गया, राइट, ओके। नॉर्मल से पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अश, लिसन लिसन, हैव आई डिस्कस विद यू सीएसएस, है ना? अच्छा मैं बात सुनो, देखो आपने पेपर पूरा पूरा सॉल्व करना है, मैं देखो आई डोंट वांट टू गिव यू लिबर्टी राइट नाउ कि नहीं बेटा मैं सिर्फ इतना पार्ट दूंगा, द मोर फास्ट आई टेक यू आई नो यू गैस कैन डू इट, नहीं बेटा नहीं, आप लोग कर सकते, कौन कह रहे हैं, नहीं बेटा नहीं, आप मुझे पता है इस क्लास में मैं अगर पूरा भी वेबॉर्थिंग दूंगा ना 70% ऑफ यू कैन ऑल डू इट वेल, तो बाकी 30% हैव टू वर्क हार्ड, अब 30% के लिए मैं क्लास को स्लो क्यों करूं, यस आई कैन हेल्प दिस 30%, अच्छा वी हैव टाइम, इसके बाद आई स्टॉप, ये 3, 2, 1 क्वाइट, राइट, आई हैव डिस्कस विद यू, आप लोग ही कहोगे सर ये भी बड़ा सवाल था, कह रहे डिस्कस, ओके। अब वो कह रहा है ओपन द स्टाइल शीट दिस, सो व्हाट वील डू इज फाइल ओपन, अच्छा मैं दोबारा पूछ रहा हूं अभी तक ठीक है, अच्छा अभी अब देखना अगला भी सवाल ही है, फाइल ओपन, वी हैव टू ओपन अ क्विज, यस जी बेटा आएगा, मगर मैंने आपको बताया डेटाबेस ज्यादा मार्क्स का होगा, वेब ऑथिंग कम मार्क्स का होगा, आसान है ना, ओके ओके अच्छा बेटा टाइम कम है, कह रहे क्वाइट बेटा, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, ओके सीएसएस 3, 2, 1, ओके योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर एज ए कॉमेंट, सो इफ यू वॉन्ट समथिंग टू कम एज ए कॉमेंट इन सीएसएस फाइल, आपने काम करना है, मैं इससे पहले लिसन केयरफुली, यू सी ओवर हेयर आई हैव दिस, ऑल यू डू इज यू कैन प्लेस योर कॉमेंट्स ओवर हेयर, गेट माई पॉइंट, यूजिंग स्लैश, सो फ्रॉम हेयर यू कैन एक्चुअली यूज सेकेंड वन टू एड द कॉमेंट्स, फाइन, Why do we add the comments? Because they're not part of my CSS file. Why do I add comments in HTML tag? Because I don't want to just as a comment to elaborate, to explain. Get my point? Okay, next. Okay, table. Table is center line within the browser window. So, अच्छा वैसे अच्छा है, द रीजन वाई एम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पेपर विद यू क्योंकि इसमें सी एस एस भी काफी एडवांस आया था, ये एडवांस सी एस एस है, सो अगर आपको समझ आती बाकी आपसे हो जाएगा बेटा, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ओके सो अच्छा मुझे मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए, आई वॉन्ट एब्सोल्यूट साइलेंस, नो टॉकिंग प्लीज, लास्ट 15 मिनट्स कोई ना बोले वरना ये समझ नहीं आएगा, ओके देयर सेइंग इज दिस
The table is center line. So we have to do is we have to make a table tag. So what we'll do is वैसे तो आपको वैसे भी आता होगा. आप सिंपल आओ इधर विंडोज एंड सीएस डिजाइनर. यस और नो? वी हैव डिस्कस दिस. तो इधर आके यू हैव इज क्लिक ऑन दिस. वैसे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, मगर मैं वैसे बता रहा हूं. टेबल टैग, टेबल, आई गेट द टेबल टैग, यस और नो? सो यू कैन डायरेक्टली टाइप टेबल एंड पुट द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, पुट ए टाइप H1 टैग, पुट द कर्ली ब्रैकेट्स, टाइप द बॉडी टैग, पुट द कर्ली ब्रैकेट्स. आप खुद ही कर लेना चाहिए, मगर मैं वैसे एक्सप्लेन कर. वो क्या कह रहा है, द टेबल इज सपोज टू बी इन द सेंटर. हाउ डू यू डू दिस? ये थोड़ा सा डिफरेंट सा पार्ट है, अच्छा पार्ट है, इसको सुन लो कैसा करते हैं. इसके लिए इसमें भी डायरेक्टली सेंटर लाइन कट नहीं होता. इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप इधर कहोगे जो आपका जो पोजीशन है ये, ठीक है ना, इसको आप करोगे ऑटो, लेफ्ट ऑटो एंड राइट ऑटो, यस और नो? जब लेफ्ट राइट ऑटो होगा ना तो ऑटोमेटिकली उसको वो सेंटर में कर देगा. ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को, यस और नो? ठीक हो जी, मैं बताया था, कोई इशू नहीं है. ये देखो बंद कर दिया, टैग ओपन है, मैं आया विंडो सीएसएस डिजाइनर में, ठीक हो गया. मैंने जो टेबल टैग्स क्रिएट किया उसके साथ ही आपके पास ये आ रहा होगा ये. अच्छा, हो सकता है इफ आई क्लिक ऑन दिस इट विल नॉट शो. आपने इसको अनटिक करना है, शो सेट. इसमें से क्या होता है, देखो इसमें से होता है ये लेआउट वाला, टेक्स्ट वाला, बॉर्डर वाला, बैकग्राउंड वाला. यू गेट द पॉइंट? सो इनिशियली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आ रहा हूँ लेआउट पे, लेआउट सेंटर लेआउट में आ रहा ना. सो लेआउट में आके इधर है मार्जिन, पैडिंग, पोजिशन. पोजिशन मैंने कर दी लेफ्ट राइट 0 0, ठीक हो गया. याद रहेगा यार, बहुत कुछ नहीं है, कितना कुछ है इधर, जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट. बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी चीजों को अपने पास बैठ के एक्सप्लोर करना है. आपको इंस्ट्रक्शन मिली जा रही है, आपने बस वो फॉलो करनी. अब वो कहता है नेक्स्ट ये वाला, व्हाट इज इट सेइंग? ऑल टेबल एलिमेंट्स हैव द सेम स्पेसिंग बिटवीन द बॉर्डर्स बाय 10. तो ये हो गया आपका बॉर्डर स्पेसिंग, यस और नो? सो बॉर्डर स्पेसिंग में आपके पास आ जाएगा ये, व्हाट इज बॉर्डर स्पेसिंग? मार्जिन, यस. वाई मार्जिन? क्योंकि जो बॉर्डर होता है उसकी मार्जिन है ना, मार्जिन में इतनी स्पेस हो बेटा. आप पहले बात तो सुन लो ना. ओके, सो वी आर सेइंग इज ऑल टेबल एलिमेंट्स हैव द स्पेस. सो ऑब्वियसली क्या करके उसने हैव स्पेस बिटवीन 10. सो हमें करना पड़ेगा, वी विल हैव द मार्जिन्स एज 10 पिक्सल्स का है ना. सो 10 10 राइट, फाइन, माई डिफाइन हो गए, ठीक है, डन विद दिस. एनी इशू? ठीक है. ऑल टेबल सेल्स हैव अ पैडिंग ऑफ 20, तो पैडिंग भी उधर आ गया. ये सारा उधर ही अवेलेबल है, आपने सिंपल टाइप करना है, यस और नो? एक्सेस में पॉइंट्स कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, इसमें एवरीथिंग इज ओवर देयर. राइट, देन स्टाइल्स H1 एंड H2 यूज. सो अगर मैंने H1 H2 डिफाइन करना है, आई जस्ट टाइप H1 कर्ली ब्रैकेट्स. अच्छा नहीं, वो कह रहे हैं H1 H2, सो आई टाइप H1 कॉमा H2. ये किसने कहा? वेल डन. अच्छा, तो आपको अगर 5 टैग्स डिफाइन करने हैं उनकी प्रॉपर्टीज, कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा P कॉमा दिस, मतलब All of them will have the following properties. Yes or no? So वो क्या कह रहे हैं? H1 should be font copper black, copper black हो, impact, और क्या हो? Serif font. Yes or no? Did we talk about this family? Serif, major family, smaller family, child family. Yes or no? Okay. So वो कह रहे हैं कि अगर copper black नहीं है तो impact हो, impact नहीं है तो कोई भी serif तो होगा. So how do we do this? Well, serif क्या, sans serif क्या?
सैरिफ का है, ठीक है? तो हम इधर आके देख लेते हैं, यहाँ है कोई? नहीं, सैरिफ तो है नहीं, वो तो नो प्रॉब्लम, हम वी विल जस्ट हम चेंजेस कर देंगे. व्हाट विल डू इज लिसन, सो ही सेइंग इज इंपैक्ट एंड कॉपर ब्लैक. सो व्हाट विल डू इज वी विल चेंज दिस कॉपर ब्लैक. इम्पैक्ट, यस और नो? कॉपर ब्लैक, इम्पैक्ट सैरिफ. गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? देखो बात सुनो, इसको समझ नहीं आई. ओके ओके, क्वाइट. यस, रिकॉर्ड हो रही है. ओके, सो इट इज चुप. आपको समझ नहीं आई ना? आई वाज जस्ट गोइंग टू वेस्टिंग योर टाइम. देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स ओवर, मुझे तो कहना नहीं पड़ता बेटा, कंसंट्रेट. You have to change your attitude towards studies. Can I explain? अगर आप समझ नहीं आई, Your Highness, this actually means is that H1, H2 will use the following font, copper black, or this. It means, listen, your website is being developed. You as a developer, as a designer, you would say, you know what? My website will look very good if I use copper black. Or if copper black is not available in any user's device, probably we can use impact. Okay, if impact is also not available, at least serif will be there. So we have just given some priority, and that if this font is not available, search for this font. If this font is not available, search for this font. Yes or no? So that you can tell that your website will look good using the following fonts. Yes or no? So this is how we have done it. नहीं, हमने कोडिंग में लिखना है ना, कोई भी कर सकते नहीं है. आपने तीनों लिखने हैं, कॉपर ब्लैक, इंपैक्ट, सैरिफ. यस और नो? क्या बेटा? जी एग्जैक्टली. प्रायोरिटी प्रायोरिटी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इफ दिस फाइंड तो शो करा देगा. इफ दिस इज नॉट फाउंड इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, इट विल लुक फॉर दिस. अगर ये मिल जाएगा तो वेबसाइट में शो हो जाएगी. डिड यू गेट द पॉइंट? यस जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई हर एक बात. ठीक हो? मुझे नहीं पता ना, आई डोंट नो, नॉट माय कंसर्न राइट नाउ. ओके, सो डिफॉल्ट साइड फाइट. अब स्टाइल H1 एंड H2 शुड बी सेंटर लाइन. अब वो कह रहा है कि अब H1 को सेपरेटली डिफाइन करो, यस और नो? और इसको करना सेंटर. सो सिंपल बात है, आप इधर आओ. व्हाट यू डू इज टाइप H1 एंड डू यू सी द टेक्स्ट? डू यू सी सेंटर? यस और नो? इसको सेंटर करो. और क्या करना है? H1 एंड H2 हैव अ फॉन्ट कलर विद हेक्साडेसिमल वैल्यू कंपोनेंट दिस, नो रेड एंड ब्लू. हैव वी डिस्कस हेक्साडेसिमल? वी डिड. तो इसका कलर कोड क्या होगा मुझे को बताइए. हैशटैग 00. वेरी गुड, एक्सेलेंट. आई एम सो ग्लैड विद सच अ स्मॉल पैसेज ऑफ टाइम हमने काफी कुछ डिस्कस किया है. ओके, हमने हमने पूरा वेब ऑथिंग डिस्कस कर लिया है. आई हैव डिस्कस्ड इवन द डिटेल्स विद यू गाइस. ये डिटेल्स है, ठीक है? राइट. ओके, इफ समवन हैज एन इशू के व्हाट आर हेक्साडेसिमल कलर्स, प्लीज कोई पीयर ट्यूटरिंग क्लास कंडक्ट करें और इन बच्चों को समझा दें. गेट द पॉइंट? क्यों बेटा? मैंने दोनों का नहीं किया. That was not a skill issue. आप सही कह रहे हो, हमने इसको करना था. ठीक हो गया? ठीक हो गया? राइट. ओके, H1 is supposed to be 18 points. So हम क्या करेंगे? इसको नहीं करना था हमने. We just have to make it 18 point. So all I do is इस पे आओ और टेक्स्ट पे आके फॉन्ट साइज हम कर देंगे 10 pixels
एंड वील मेक इट, ठीक हो गया यस और नो? उसने पॉइंट के पिक्सल का है, आई एम सॉरी, पीटीओ, पॉइंट के लिए पीटीओ था, डन ओके। अच्छा कलर तुमने डिफाइन नहीं किया, कलर उसने कहा था कलर शुड बी व्हाट, 00, ठीक हो गया यस और नो? अच्छा, और एज टू शुड बी 14। सो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है बेटा, इसको करो कंट्रोल सी एंड दिस इज पोस्ट भी सर को नजर आ जाए ना, 14 पॉइंट, ठीक हो गया। अब अच्छा, नाउ सेव द स्टाइल शीट यस और नो, और इधर आओ, हाउ डू वी अटैच, लिसन, अटैच एचटीएमएल फाइल हैज टू बी अटैच विद द सीएसएस फाइल यस और नो? देर आर सम केसेस, वेरी फ्यू केसेस, हु ट्राई टू अटैच अ सीएसएस फाइल विद द सीएसएस, वो नहीं होता, डजंट वर्क, गेट द पॉइंट, पॉसिबल ही नहीं है। ओके सो वेयर इज द फाइल, व्हाट वाज द नेम ऑफ इट, मैंने किया 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 था, ये रहा, इसको करो ओके एंड हियर यू गो, फाइन, नाउ सेव करो नाउ। अब वो फॉन्ट, जो पर्टिकुलर फॉन्ट है ना, वो अवेलेबल नहीं है मेरे यहाँ ना। अच्छा लिसन गाइस, गाइस बात सुनो, ये आपकी कोडिंग है एचटीएमएल की यस और नो? दिस इज एचटीएमएल कोडिंग यस और नो? तो इफ दे से कि यू हैव टू प्रोवाइड एचटीएमएल कोडिंग, यू विल कॉपी ऑल दिस कोडिंग एंड प्लेस इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, पता है ना, जैसा एक्सेस में नहीं करता है। और फिर आपके सीएसएस की कोडिंग यस और नो? सीएसएस कोडिंग, एचटीएमएल कोडिंग और वेब पेज इन द ब्राउजर। अब वेब पेज इन द ब्राउजर क्या, अब दो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा नहीं आ रहा ना, एक स्क्रीनशॉट और नीचे करके दूसरा स्क्रीनशॉट, और वो एविडेंस प्लेस कर दो। हमने पूरा पेपर कर लिया, वाज इट वेरी डिफिकल्ट? हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है सीएसएस में, आई विल शेयर सम पेपर्स विद यू जिसमें वी हैव मोर सीएसएस, मगर सेइंग दैट बात सुनो, ऑब्वियसली आई एम नॉट गिविंग यू अ लॉट ऑफ, जरा पूरा आपको वेब पेज नहीं दे रहा, ये देखो ना, ये देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, ये देखो 42, ये देखो दिस इज 42 मार्क्स जो हमने भी किया है, मतलब ये कह लो कि सीएसएस बनाने से पहले सब कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है ना, बेहतर है ना, जी जी जी